Hey, what's up guys? कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होगी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रॉन्टन के लाइफ के ऊपर, पूरा रिएक्ट करने वाले हैं हम जो उनका सिड और क्रॉन्टन का कॉन्ट्रो टाइप का कुछ चल रहा है। तो मैं पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले कि आप अगर गॉडल हेटर या सोल हेटर कोई भी हैं तो भाई इस वीडियो को मत देखो, यहीं से स्किप कर दो। भाई हम इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ दोनों को इक्वल रख के, एक एज अ स्पोर्ट फैन दोनों और हमारे लिए बराबर है। पर पहले पॉइंट पर हम बोलते हैं जो क्रॉन्टन भाई ने कहा था कि जब वो दिल्ली इवेंट में गए थे उन्हें कोई वहाँ का सोल का बंदा मिला जो कि उनसे कह रहा था गॉडल में अप्रोच के लिए, मतलब आने के लिए। तो यार आपको क्या लगता है वो कौन सा प्लेयर था? कि भाई सोल में जो दो बंदे आए थे वो या तो केतन था और या तो रेगल्टॉस था। भाई ये दोनों आपके भी उतना बूट कैंप भी नहीं चाहते हैं, तो क्या पता भाई सीसी के लिए वहाँ करना चाहते हो। मैं किसी को कुछ हेट फैलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, कोई भी कॉमेंट ऐसा मत करना। गाइस हम अभी रिसेंटली दिल्ली गए थे, ठीक है? तो दिल्ली में हमें एक्स वाई ज़ेड बंदा मिला था। चलो वो बात अलग है, उस बंदे ने भी हमें अनफॉलो कर दिया, मतलब मेरे को और गाता को। हमने नहीं बोला था कि क्या है क्या नहीं है। वो बंदा बहुत परेशान था जो भी था। अच्छी बात है कि शायद उसके प्रॉब्लम सॉल्व हो गए होंगे आफ्टर दिस मीटिंग में भी। मैं खुश हूँ कि चल तेरे प्रॉब्लम तो एटलीस्ट सॉल्व हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये सारी चीज़ें करने से। बट एटलीस्ट मैं चाहता हूँ कि उस बंदे पे वो नौबत क्यों आ रही है, स्पोर्ट्स प्लेयर हो या सीसी हो कोई भी हो, क्यों आ रही है उस बंदे पे वो नौबत की उसको इतना होने के बावजूद किसी और के किसी को मिलना पड़ रहा है। पर आपका क्या पॉजिटिव कमेंट है कमेंट जरूर बताइएगा। पर मेरे को लगता है कि ये दोनों हो सकते हैं। और हम बढ़ते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ जो था हमारा। क्रॉन्टन ने ऐसा बोला था कि भाई सिड भाई जो सीओडी मोबाइल का रोस्टर है गॉडल का, जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जा रहा है यूएसए लंदन लॉस एंजलिस अब दिसंबर में। तो भाई जब उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए अप्लाई हुए थे, वो मतलब इंडिया की चैंपियनशिप जीत चुके थे, तब सिड भाई ने उनको अप्रोच किया था सीओडी मोबाइल के रोस्टर को कि भाई वो सोल में चले जाए गॉड लाइक को छोड़कर, जिसके पास क्रॉन्टन भाई ने बताया कि ये सब की गॉडल के प्लेयर ने उनसे बताया। फिर काफी मतलब गलत सीन हो गया था, इसकी क्लिप अभी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हाँ, दूसरी बात कोचिंग के पॉइंट पे आता हूँ। अपनी जो टीम है गाइस कॉडिन की टीम जो जा रही है अपनी यूएसए गॉडलाइक को रिप्रेजेंट करने, इंडिया को रिप्रेजेंट करने, किसने उनको ऑफर करा था कि आ जाओ गॉडलाइक का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के आ जाओ, गॉडलाइक छोड़ के आ जाओ हम? अब मैं बोलूँ फिर ये तो बात हमारे कॉडिन के प्लेयर्स आके भी बोल सकते हैं, फिर तुम्हारा कुछ बचेगा नहीं जो भी ये और हरकतें करती है। भाई आपको क्या लगता है क्या सिड भाई ऐसा कर सकते हैं या नहीं, कमेंट जरूर बताइएगा। और अगर करा होगा तो क्यों किया होगा ये भी अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा, कोई भी हेट नहीं फैलाना है, बस मैं अपना ओपिनियन दे रहा था। वो करते हैं यार सीओडी वाले गॉडल का रोस्टर वहाँ से ट्रॉफी लेकर आए और इंडिया के लिए एक प्राउड मोमेंट हो, इंडियन ई स्पोर्ट की ग्रोथ हो, बस हमें यही चाहिए। हमें ई स्पोर्ट का एनवायरमेंट चाहिए पूरे इंडिया में, और कुछ नहीं, हम इसी के लिए डेवलप कर रहे हैं। तो यार ऐसी वीडियोज के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और ऐसे आपके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएंगे तो यार हमें भी काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है ऐसे ई स्पोर्ट न्यूज बनाने के लिए, और हम भी ग्रो कुछ कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, कैन सब्सक्राइब।